नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौतम, मेरे एक्सीलेंट मेडिसिन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में स्टोमाटाइटिस या मुख पाक से राहत पाने के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, ओरल हाइजीन के अभाव में मुंह में बैक्टीरिया बढ़ने लगता है, जिसके वजह से यह स्टोमाटाइटिस होता है। जैसे माल न्यूट्रिशन स्टोमाटाइटिस, एलर्जिक स्टोमाटाइटिस, इन्फेक्टिव स्टोमाटाइटिस, कैंडिडियासिस स्टोमाटाइटिस, एथस स्टोमाटाइटिस एंड म्यूकस स्टोमाटाइटिस। इसके अलावा बहुत ज्यादा स्पाइसी और गर्म खाना खाने की वजह से भी स्टोमाटाइटिस हो सकता है। साथ ही साथ स्टोमक प्रॉब्लम, ये पेट में होने वाले गड़बड़ी की वजह से भी स्टोमाटाइटिस हो सकता है। दोस्तों, ये स्टोमाटाइटिस के वजह से मुंह के अंदर टंग, ओरल प्लेट एंड लिप में भी अल्सर या घाव हो सकता है। अफेक्टेड एरिया में रेडनेस तथा इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है। अधिकतर केस में सेंसिटिविटी के वजह से लिप्स पर स्वेलिंग आ जाता है, मुंह के अंदर ज्यादा सलाइवा सीक्रेशन होता है और साथ ही साथ कुछ भी खाना खाते वक्त तेज दर्द महसूस होने लगता है। दोस्तों, आमतौर पर यह स्टोमाटाइटिस से राहत पाने के लिए एक बेस्ट और असरदार मेडिकेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मुंह के हाइजीन मेंटेनेंस होता है, साफ सफाई बरकरार रहता है, जिसके वजह से यह स्टोमाटाइटिस या ओरल अल्सर से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ ओरल हाइजीन को मेंटेनेंस करने के लिए, बरकरार रखने के लिए एक एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे विन मेडिकल फार्मा का बेटाडीन 2% माउथ वॉश। ये आधे कप गुनगुना पानी में 5 ml या 5 ml मिला करके सुबह शाम दिन में 2 बार आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक गर्गलिंग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। दर्द, स्वेलिंग, इन्फेक्शन के साथ अल्सर या घाव भी कम होने लगता है। दोस्तों, ये 50 ml और 100 ml पैक में मिलता है। 50 ml पैक का MRP होता है 150 rupees ओनली। इसके साथ साथ ये स्टोमाटाइटिस या माउथ अल्सर से छुटकारा पाने के लिए जो विटामिन कैप्सूल की जरूरत होता है, वो एंग्लोफेंस फार्मेसी का बीप्लेक्स 4 tablet। इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी एवं बायोटिन मिलता है। स्टोमाटाइटिस से छुटकारा दिलाने में यह असरदार होता है। यह दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना चाहिए। और दोस्तों, ये बीप्लेक्स 4 जो टैबलेट आता है, ये एक स्ट्रिप में 20 tablets या 20 गोली मिलता है, जिसका MRP या कीमत होता है सिर्फ 50 rupees ओनली। दोस्तों, इसके अलावा कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से भी स्टोमाटाइटिस होता है, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए एक बेहतरीन एंटीबायोटिक मेडिसिन की जरूरत होता है, जैसे मैनकाइंड फार्मा का जेनफ्लक्स OZ। ये ओफ्लक्सासिन एंड ओनिडाजल कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन है। ये दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना चाहिए। ये जेनफ्लक्स OZ टैबलेट एक स्ट्रिप में 10 tablets या 10 गोली मिलता है, जिसका MRP 130 rupees ओनली। इसके अलावा दोस्तों, जो फंगल इन्फेक्शन के वजह से या कैंडिडियासिस के वजह से जो स्टोमाटाइटिस होता है, उनसे छुटकारा पाने के लिए, फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एक एंटी फंगल मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे ओकनेट फार्मा का फ्लूकोस 400 mg टैबलेट। ये एवरी फोर्टनाइट या 15 दिन में 1 गोली लेना चाहिए, रात में खाना खाने के बाद। ये फ्लूकोस 400 tablet का MRP या कीमत होता है, 1 गोली का कीमत 30 rupees ओनली। दोस्तों, ये सब मेडिसिन आपके नजदीक के मेडिकल स्टोर या फार्मेसी में आसानी से अवेलेबल होता है। और दोस्तों, एलर्जिक इन्फेक्शन के वजह से या केमिकल इन्फेक्शन के वजह से भी कभी कभी स्टोमाटाइटिस या ओरल अल्सर हो सकता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए, जिसके वजह से एलर्जिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन होता है, उससे दूर रहना चाहिए। जैसे कभी कभी सस्ता टूथपेस्ट के वजह से भी ये एलर्जिक या केमिकल रिएक्शन होता है। इसके अलावा कभी कभी जो हाइपर मेडिसिन लेते हैं, उनका साइड इफेक्ट के वजह से भी एलर्जिक या केमिकल रिएक्शन होता है। तो उन हार्मफुल टूथपेस्ट एंड मेडिसिन बंद कर देंगे तो आपको ये इन्फेक्शन से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी एक्टिव कर दीजिएगा। मेरे आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। हम किसी भी दावा की या दावा कंपनी की प्रचार नहीं करता, मैं सिर्फ दावा की जानकारी देता हूँ।
नमस्कार।